हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर, आपकी अच्छी सेहत का साथी। एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को दोनों एसिडिक और अल्कलाइन खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जहां एक ओर हमारे पेट को एसिडिक होने की जरूरत है सही डाइजेशन के लिए, वहीं हमारे ब्लड को अल्कलाइन होना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के पीएच स्तर को बढ़ावा देते हैं, जिससे यह संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। जब हमारे शरीर का एसिडिक स्तर बढ़ने लगता है तो इससे हमें कई परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और हम बीमारियों के प्रति और संवेदनशील हो जाते हैं। शरीर में बढ़ा हुआ एसिड का स्तर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के एसिड को कम करने में बहुत सहायता करते हैं, अल्कलाइन खाद्य पदार्थ उन्हीं में से एक है। अल्कलाइन खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के पीएच बैलेंस को संतुलित रखते हैं और इन्हें अपने डेली डाइट में शामिल करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनती है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में एसिड के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं। कैबेज या पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैग्नीशियम के साथ साथ फोलेट में समृद्ध होता है, जो हमारे पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यही नहीं, पत्ता गोभी फाइबर का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो हमारे शरीर को सेलुलर लेवल पर क्षार्य बनाने में मदद करता है। पत्ता गोभी का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को दूर रखने में सहायता मिलती है, साथ ही यह वजन घटाने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। आमंड्स या बादाम। बादाम बड़ी आसानी से उपलब्ध ड्राई फ्रूट्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि यह जरूरी पोषक तत्वों के साथ साथ आवश्यक फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं। बादाम का सेवन करना केवल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि यह आपके बालों, स्किन और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यही नहीं, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी बहुत सहायक है। साथ ही बादाम का सेवन करने से वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। लेमन या नींबू। नींबू स्वाद में एसिडिक होते हैं, लेकिन वास्तव में नेचुरली ये क्षार्य होते हैं। यह कुछ ऐसे खट्टे फलों में से एक है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाने के साथ साथ हमारे शरीर को अंदर से साफ करने में बहुत मदद करते हैं। रोजाना एक ग्लास गर्म पानी में ताजा नींबू का रस मिलाकर पीने से आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट बाहर निकल जाएगा। जल्दी और हेल्दी तरीके से वजन कम करने का यह बहुत ही असरदार तरीका है। बेसिल या तुलसी। यह तो हम सब जानते हैं कि तुलसी को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। खासकर हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा जरूर मिल जाता है। तुलसी विटामिन सी, विटामिन के साथ साथ कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक उच्चतम स्रोत है। तुलसी हमारे शरीर से प्राकृतिक रूप से एसिड को कम करने में मदद करती है। यही नहीं, तुलसी का सेवन करने से किडनी स्टोन होने की संभावना भी कम हो जाती है। सुनिश्चित करें कि किसी न किसी रूप में आप तुलसी का सेवन जरूर कर रहे हैं। आप चाहें तो तुलसी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, और अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम रोज तुलसी का पत्ता मुंह में जरूर डालें। क्यूकम्बर्स या खीरा। खासकर गर्मियों में खीरा बहुत पॉपुलर है। हर कोई गर्मियों के समय में खीरा खाना पसंद करता है। इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जहां एक ओर हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर शरीर से टॉक्सिन्स और जमा हुई एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है खीरा, जिससे शरीर में संतुलित एसिड लेवल्स मेंटेन होते हैं। शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड की वजह से होने वाली परेशानियों को कम करने में भी बहुत उपयोगी होता है क्यूकम्बर या खीरे का जूस। ग्रेपफ्रूट। ग्रेपफ्रूट एक खट्टा फल होता है और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह अच्छी सेहत का एक पावर हाउस है। कई लोगों को लगता है कि ग्रेपफ्रूट एसिडिक होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नेचुरली ग्रेपफ्रूट अल्कलाइन होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। यही नहीं, ग्रेपफ्रूट हमारे शरीर में अल्कलाइन के स्तर को मेंटेन करने के साथ साथ शरीर में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा नहीं होने देता। मस्कमेलन या खरबूजा। खरबूजा हम सभी को खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह मीठा होने के साथ साथ एक हेल्दी फ्रूट है। यह विटामिन बी, बीटा कैरोटीन और फाइटोकेमिकल्स का एक समृद्ध स्रोत है। खरबूजे प्राकृतिक रूप से अल्कलाइन होते हैं। यदि आप खरबूजे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर का पीएच लेवल संतुलित करने में मदद मिलती है।
इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में एकत्रित टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत उपयोगी होते हैं, जिसके चलते गंभीर बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य फूड्स भी हैं जो एल्कलाइन होते हैं और आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पपीता, केल, सेब, पालक, एवोकाडो, कीवी, गाजर, केले, तरबूज, आप चाहें तो इन फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अपने शरीर के एल्कलाइन स्तर को मेंटेन करने के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।